नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ओम प्रकाश। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि जो ग्रैट ब्रिक्स लाल ईटा कैसे बनाया जाता है। इसका स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तक ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मिट्टी को पहले किस तरह से जो गीला कर रहे हैं आप देख रहे हैं, और उसके बाद में आपको जो कि चाचे में किस तरह से बनाएंगे, और उसके बाद में ईट भट्टा कैसे लगाया जाता है, साथ में इसका फिर लास्ट में किस तरह से जो कि अपन यूज़ करते हैं। तो मैं इस वीडियो को जो कि काफ़ी लंबा बनाया हूँ ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा घर संबंधित पूरी जानकारी, जो कि घर पर पूरा ईटा का यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में आप जो कि इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे कि जो कि आज कि पूरा इस वीडियो में कि ईट कैसे बनाया जाता है, और ये आप देख भी रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको शायद पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ना भूलिए, और आने वाली वीडियो जो कि मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो कि मकान को एक लो कॉस्ट में और बेस्ट क्वालिटी के साथ बना सकते हैं, और बेस्ट मटेरियल कैसे यूज़ करना है, साथ में डिज़ाइन संबंधित में भी वो जानकारी मैं दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, बाकी आने वाली वीडियो को भी आप लगातार देखें ताकि आपको घर संबंधित जानकारी आपको एक फ्री मिल सके। और आप देख रहे हैं किस तरह से कि हमारे कारीगर काम भी कर रहे हैं। ये हमारा पूरा का पूरा ये प्लांट है, ये हमारी पूरी गाड़ियाँ भी है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा वर्क चलता है। डिजिटल हाउसिंग .com के नाम से हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है, और ये आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा जो कि कारीगर काम भी कर रहा है। हमारा ये जो ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग है खुद का प्लांट है, साथ साथ में विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन का भी ये काम रहता है, और ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से काम कर रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी को पूरा मिला दिए हैं पानी से बहुत अच्छे से, और ये आप देख रहे हैं, ये देखो मिट्टी जो ये मिट्टी अभी जो है 3 से 6 घंटा तक, तुरंत नहीं बनाते मिट्टी को, कम से कम भी 3 से 6 घंटा वैसे ही जो फूलने के लिए रख देते हैं। मिट्टी जो कि गाढ़ पड़ा रहता है, सूखा मिट्टी रहता है, तो उसको फूलने के लिए कम से कम 3 से 6 घंटे का टाइम रहना चाहिए। अब ये देखो बनाने लग गए हैं, और ये आप इस वीडियो में देखेंगे लास्ट तक कि किस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है ये पूरा। बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारे जो प्लांट के अंदर काम होता है। सबसे मुख्य बात रहता है कि फिनिशिंग, ईंट का जो फिनिशिंग होना चाहिए, आप देख रहे हैं कितना बेस्ट फिनिशिंग दे रहे हैं हमारे जो कारीगर हैं, कितने क्वालिटी वाइज आड़ा तिरछा कोई भी ईंट नहीं है, और पूरा शेप एंड साइज और पूरा बहुत अच्छे तरह से फिनिशिंग है, और पूरी एजेस भी बहुत बाकायदा क्लियर है। तो इस वीडियो में आपको यही मेन बातें सीखने को मिलेगा ताकि जो कि आपके घर पे जो मटेरियल आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, यानी कि क्वालिटी क्या है। मेन बात ये है कि क्वालिटी क्या है, उसके ईंट जो बना हुआ है वो किस तरह से बना हुआ क्या है। तो आप जो है इस वीडियो में ये आप आज जो कि सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और लोगों तक के इसको शेयर करें, कमेंट करें आपको किस टॉपिक में जो कि घर संबंधित वीडियोस चाहिए, तो मैं ताकि उस संबंधित उसके घर संबंधित जो भी आप टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक में आपको जो कि वीडियो बनाऊंगा। और यदि कोई भी क्वेश्चंस या डाउट होते हो तो वो कमेंट या हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको घर संबंधित कोई भी यदि क्वेश्चंस होंगे आपके कि कोई भी वर्क को लेके, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये आप कारीगरों का काम देख रहे हैं हमारे प्लांट का, कितना बेहतर से बेहतर हमारा काम भी हो रहा है। और ये जानना ज़रूरी है कि उसे कि हर बिल्डिंग जो कि आज इंडिया के अंदर जो कि रेड ब्रिक्स से यूज़ किया जाता है, और साथ साथ में आपका फ्लाई ऐश ब्रिक्स था, उसका भी मैं वीडियो बताऊंगा कि उसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्वालिटी उसमें रहते हैं, उसमें क्या। ये जो है रेड जो ब्रिक्स है ये ज़्यादा और अच्छा माना जाता है इंडिया के अंदर, बहुत अच्छे क्वालिटी भी होती है इसमें। ये जो कई जगह पर आपने देखा होगा कि रेड ब्रिक्स के जो पहले के ओल्ड जो बने हुए हैं बिल्डिंग में देखा होगा ओनली फॉर स्ट्रक्चर में जो कि रेड ब्रिक्स के ऊपर ही स्लैब डाला गया है, और एक एक दो दो मंजिला घर बनाया जाता है, तो ये इतना मजबूत होता है दोस्तों कि ये जो डिपेंड करता है कि आपका जो है जो ईंट बना है वो कौन से क्वालिटी का मिट्टी से बना हुआ है, नहीं तो आप ये ईंट इतनी मजबूत होता है कि जो आप एक सिंगल मंजिला डबल मंजिला तक भी बिना कॉलम के खड़ा किए आप जो कि ईंट के दीवारों में आप स्लैब डाल सकते हैं, और ये इसकी एज भी बहुत बढ़िया रहता है, और मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर,
कि आप देख रहे हैं सेकंड जो कारीगर भी देखो कितना बेस्ट तरीके से हमारा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से। तो हमारा जो कि एमपी के अंदर भोपाल, इंदौर और बैतूल जो कि डिस्ट्रिक्टों में हमारे विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन का काम है। यदि आप मकान बनवाने का सोच रहे हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आर्किटेक्चर प्लानिंग इंजीनियर से लेके आपको मटेरियल से लेके कोई भी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन का भी काम है विथ मटेरियल का, तो जिसमें जो कि हम लोग को भी हेल्प जो मिले तो आप संपर्क कर सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि कितना हमारा क्वालिटी क्या है, ये आप काम से देख रहे होंगे कितना बेहतर से जो कि काम हो रहा है। और ये ड्राई, ये जो ब्रिक्स है अभी जो कि गीले हैं, और जब ये ड्राई होंगे तो बहुत अच्छा और भी फिनिशिंग के साथ में रहते हैं। तो ईंट का सबसे बड़ा जो वो जस्ट प्रॉपर सही हो और साथ साथ में उसकी फिनिशिंग बहुत हो, तो ये बहुत मायने रखता है ईंट में। और ये आप देख ही रहे हैं क्वालिटी, तो कितने अच्छे से काम हो रहा है। इस वीडियो को जो कि लोगों तक शेयर ज़रूर करें यार, ताकि जो है लोगों को नॉलेज मिलेगा। और जब ईंट से ही पूरा मकान बनता हो तो ईंट के बारे में जानकारी ज़रूर होना ही चाहिए। तो दोस्तों आप आज ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा किस तरह से जो कि ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, लाल ईंट कैसे बनाया जाता है। तो ये आप इस वीडियो का हमें आज देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा प्लांटों में काम होता है। तो आई होप सबको पसंद आएगा। और इस वीडियो में जो कि आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको सबसे जो कि क्या क्या सीखे आज, कि इट्टी को मिट्टी जो है मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, साथ में आज आपने देखा कि मिट्टी को कितने टाइम के लिए उसको छोड़ना चाहिए, साथ में ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से कितने अच्छे प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं और किस जो किस बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो कि बात जो है वो अपना जैसे फिनिशिंग का होता है, एज जो है उसके एजेस यानी कि कॉर्नर प्रॉपर हो। तो आप देखें इसमें आप ये बातें सीखने को मिली हैं किस तरह से, और साथ में आप मिट्टी भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये काली मिट्टी का जो कि ईटा नहीं बनाया जाता है, ये जो कि आप देख रहे हैं भूरा या तो जो बोलते हैं लाल मिट्टी, इससे बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं, तो ये बात आज जो कि आपने देखे और साथ में ये जो चीज़ें आप देखें तो वो आपको पसंद आए हो। तो आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा का ईंट भट्टा का ऐसा जो कि मिट्टी लगाया जाता है पूरा, और आगे जो कि ये इस तरह से फिर पकने के बाद में आपको दिखेगा ईंट भट्टा में इस तरह से पका हुआ रहता है। और अब जो कि हम लास्ट में दिखा रहे थे कि ऑन साइड में हमारे यहाँ से ईंट लेके जाएंगे, ये देखो आप ऑन साइड में हमारे ईंट जा रहे हैं, ये हमारी गाड़ी है। तो आप तो धन्यवाद आपको आज के इतने वीडियो देखने के लिए। आई होप